anomalous expansion of water, thermal properties of matter. अपना नेक्स्ट टॉपिक है anomalous expansion of water. Anomalous का मतलब peculiar, एक स्पेशल एक्सपेंशन, एक स्पेशल बिहेवियर. तो वॉटर का एक स्पेशल बिहेवियर है एंड दैट स्पेशल बिहेवियर इज कॉल्ड anomalous बिहेवियर ऑफ वॉटर. यूजुअली जब भी सब्सटेंस को हम लोग हीट सप्लाई करते हैं, सब्सटेंस कैन बी इन द सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और इन द गैसियस स्टेट. तो वेन एवर सब्सटेंस इज हीटेड, सब्सटेंस एक्सपैंड, सब्सटेंस का एक्सपेंशन होता है. और एक्सपेंशन अगर होगा तो वॉल्यूम विल इंक्रीज, एंड अगर वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो डेंसिटी विल डिक्रीज, बिकॉज डेंसिटी का फॉर्मूला मास अपॉन वॉल्यूम. तो यूजुअली व्हेन अ सब्सटेंस इज हीटेड इट्स वॉल्यूम इंक्रीजेस एंड डेंसिटी डिक्रीजेस. बट वॉटर में ये बिहेवियर ऑब्जर्व नहीं होता है. वॉटर इज एक्सेप्शन टू दिस बिहेवियर. तो वॉटर के केस में अगर आपने वॉटर को 0 डिग्री सेल्सियस से हीट करना शुरू किया तो वॉटर का हीटिंग प्रोसेस स्टार्ट करेंगे 0 डिग्री सेल्सियस. तो फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस वॉटर को हम लोग हीट करेंगे तो टेम्परेचर धीरे धीरे राइज होगा. तो 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक अगर आप वाटर को हीट करोगे तो उसका वॉल्यूम डिक्रीज करेगा, मतलब वाटर विल कॉन्ट्रैक्ट. वाटर का कॉन्ट्रैक्शन होगा, एक्सपेंशन नहीं होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा. एंड कॉन्ट्रैक्शन होगा तो वॉल्यूम विल डिक्रीज. तो यही एनोमलस बिहेवियर है, यही पिक्यूलियर बिहेवियर है. तो 0 से 4 डिग्री सेल्सियस तक अगर आपने वॉटर को हीट किया तो उसका वॉल्यूम विल डिक्रीज एंड डेंसिटी का सिंबल रो, तो डेंसिटी विल इंक्रीज. एट 4 डिग्री सेल्सियस के आगे का मतलब बियॉन्ड 4 डिग्री सेल्सियस अगर आपने हीटिंग प्रोसेस कंटिन्यू किया तो अबोव 4 डिग्री सेल्सियस टू अ हाई टेम्परेचर वॉल्यूम इंक्रीज होना शुरू करेगा और डेंसिटी डिक्रीज होना शुरू करेगा. इसका मतलब वाटर विल हैव अ मिनिमम वॉल्यूम एट 4 डिग्री सेल्सियस. वाटर का वॉल्यूम मिनिमम होगा एट 4 डिग्री सेल्सियस, एंड अगर वॉल्यूम मिनिमम होगा तो डेंसिटी मैक्सिमम होगा. तो वाटर हैज मिनिमम वॉल्यूम एट 4 डिग्री सेल्सियस एंड मैक्सिमम डेंसिटी एट 4 डिग्री सेल्सियस. 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक वॉल्यूम डिक्रीजेस, डेंसिटी इंक्रीजेस. And above 4 degree Celsius, volume will increase, but density will decrease. And वही हमने graphical way में show करना है. ये जो first graph है, उसमें y axis पे volume of 1 kilogram of water draw किया है. तो ये जो y axis के values है, ये water का volume है. But कितने mass का? 1 kg mass का. तो ऑन वाई एक्सिस वी हैव टेकन वॉल्यूम ऑफ 1 kg ऑफ वाटर, और ये जो मल्टीपल्स है इसमें 10^-3 मीटर क्यूब कॉमन है. ऑल द वैल्यूज आर मल्टीप्लाई बाय 10^-3 मीटर क्यूब. वॉल्यूम होगा तो उसका यूनिट मीटर क्यूब होगा. एंड एक्स एक्सिस पे टेम्परेचर के वैल्यूज है, टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस. तो 4 डिग्री सेल्सियस पे देखो वॉल्यूम मिनिमम हो गया. कितना वॉल्यूम हो गया? 1 × 10^-3. तो वॉटर का वॉल्यूम एट 4 डिग्री सेल्सियस इज 1 × 10^-3 मीटर क्यूब. इसका मतलब व्हेन द टेम्परेचर वॉज इंक्रीजिंग फ्रॉम 0 to 4 वॉल्यूम वॉज डिक्रीजिंग. देखो वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा था, 4 डिग्री सेल्सियस पे वॉल्यूम मिनिमम हो गया, एंड 4 डिग्री सेल्सियस के आगे वॉल्यूम स्टार्ट्स इंक्रीजिंग. तो वॉल्यूम इज मिनिमम एट 4 डिग्री सेल्सियस, और वैल्यू कितना होगा? 1 × 10^-3 अगर मास 1 kg होगा तो, बिकॉज ये जो वैल्यूज है ये 1 kg ऑफ वाटर के लिए. ठीक है. और सेकेंड जो ग्राफ ड्रॉ किया है उसमें डेंसिटी ऑफ वाटर वाई एक्सिस पे है और टेम्परेचर एक्स एक्सिस पे, टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस. और ये जो डेंसिटी के वैल्यूज होंगे
उसमें 10 रेस टू 3 कॉमन होगा. तो ऑल दिस नंबर्स वे हैव 10 रेस टू माइनस 3 एज अ मल्टीपल. और डेंसिटी का यूनिट क्या होगा, केजी पर मीटर क्यूब. नाउ हियर वी ऑब्जर्व दैट एट 0 डिग्री सेल्सियस, जब भी टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस होगा, डेंसिटी विल बी अराउंड 0.99987 का मतलब 85 और 90 के बीच में होगा. देखो 0.9985 और 0.9990 के बीच में होगा, तो मतलब 87 के आसपास होगा. तो 0.9987 इंटू 10^3 ये होगा डेंसिटी एट 0 डिग्री सेल्सियस. फिर जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, डेंसिटी देखो इंक्रीज हो रहा था. एट 4 डिग्री सेल्सियस डेंसिटी बिकम्स मैक्सिमम, विच इज 1 × 10^3. डेंसिटी कितना होगा, 1 × 10^3 एट 4 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम. And when the temperature increases above 4 degree Celsius, we observe that density goes on decreasing. अभी दोनों ग्राफ एक साथ ऑब्जर्व करो. फर्स्ट ग्राफ वॉल्यूम का है, सेकेंड ग्राफ डेंसिटी का है, दोनों को एक साथ ऑब्जर्व करो. तो 0 से 4 डिग्री सेल्सियस तक वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, 0 से 4 डिग्री तक डेंसिटी इंक्रीज हो रहा है. 4 डिग्री पे वॉल्यूम बिकम्स मिनिमम, 4 डिग्री पे डेंसिटी बिकम्स मैक्सिमम. अबोव द 4 डिग्री सेल्सियस वॉल्यूम गोज ऑन इंक्रीजिंग एंड अबोव द 4 डिग्री सेल्सियस डेंसिटी गोज ऑन डिक्रीजिंग. तो वॉटर का वॉल्यूम मिनिमम कब होता है, एट 4 डिग्री सेल्सियस. वॉटर का डेंसिटी मैक्सिमम कब होता है, एट 4 डिग्री सेल्सियस. एंड दिस इज एनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वॉटर. नेक्स्ट टॉपिक है हीट कैपेसिटी ऑफ अ सब्सटेंस, और हीट कैपेसिटी को डिनोट करेंगे बाय सिंबल एस. हीट कैपेसिटी सिंबल एस. बच्चों जब भी हम लोग सब्सटेंस को हीट सप्लाई करेंगे, सब्सटेंस कैन बी इन द सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और इन द गैसियस स्टेट. ये सब्सटेंस सॉलिड, लिक्विड और गैस किसी भी फॉर्म में हो सकता है. तो अगर हम लोग सब्सटेंस को हीट सप्लाई करेंगे तो उसका टेम्परेचर राइज होगा, ऑब्वियस ही बात है. और अगर इस सब्सटेंस से हमने हीट को एक्सट्रैक्ट किया, का मतलब अगर ये सब्सटेंस हीट को रिजेक्ट कर रहा है, तो उसका टेम्परेचर डिक्रीज करेगा. तो ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट देर इज अ राइज इन टेम्परेचर, एंड ड्यू टू रिजेक्शन ऑफ हीट देर इज अ फॉल इन टेम्परेचर. दोनों पॉसिबल है. बट हम लोग जो केस डिस्कस कर रहे हैं, यहां पे हीट इज बीइंग सप्लाइड टू द सब्सटेंस. बट इट इज नॉट नेसेसरी दैट हीट हैज टू बी सप्लाइड टू द सब्सटेंस ऑलवेज. समटाइम्स सब्सटेंस मे रिजेक्ट द हीट एंड इट्स टेम्परेचर विल फॉल डाउन. तो हीट कैपेसिटी दोनों केस में मेजर होगा, वेदर द हीट इज सप्लाइड और वेदर द हीट इज रिजेक्टेड बाय द सब्सटेंस. बट हम लोग जो केस डिस्कस कर रहे हैं, वहां हीट इज सप्लाइड टू द सब्सटेंस. ना अगर हीट सप्लाई करेंगे तो टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस विल राइज. तो सपोज इनिशियल टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस टी था, तो लेट टी बी द इनिशियल टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस एंड वी सप्लाई द हीट डेल्टा क्यू. हम लोग कितना हीट सप्लाई कर रहे हैं, डेल्टा क्यू. और डेल्टा क्यू हीट सप्लाई करने से टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस इंक्रीजेस टू टी प्लस डेल्टा टी. का मतलब इनिशियली टेम्परेचर टी था, ड्यू टू द अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई डेल्टा क्यू टेम्परेचर बिकम्स टी प्लस डेल्टा टी. तो टेम्परेचर में राइज कितना हो गया, डेल्टा टी हो गया. हीट कितना सप्लाई हो गया, डेल्टा क्यू. तो इन दैट सिचुएशन हीट कैपेसिटी ऑफ द सब्सटेंस इज अमाउंट ऑफ हीट एब्सॉर्ब अपॉन राइज इन टेम्परेचर. हीट कैपेसिटी ऑफ अ सब्सटेंस एस इज द अमाउंट ऑफ हीट एब्सॉर्ब अपॉन राइज इन टेम्परेचर. का मतलब एस होगा डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी. इसको अगर दूसरे वे में एक्सप्लेन करना होगा तो सपोज टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस वॉज टी
और इस सब्सटेंस ने डेल्टा क्यू हीट एमिट किया। अब यहां पर हम लोग हीट सप्लाई नहीं कर रहे, डेल्टा क्यू हीट सब्सटेंस ने रिजेक्ट किया, गिवन आउट, लिबरेटेड, तो उसका टेम्परेचर डिक्रीजेस टू टी माइनस डेल्टा टी। तो अगर यही सब्सटेंस डेल्टा क्यू हीट रिजेक्ट करेगा, अब हम लोग हीट सप्लाई नहीं करेंगे, डेल्टा क्यू हीट रिजेक्ट कर रहा है, तो टेम्परेचर विल बिकम टी टू टी माइनस डेल्टा टी। तो वापस चेंज कितना होगा टेम्परेचर में, डेल्टा टी, हीट कितना रिजेक्ट किया, डेल्टा क्यू। तो अगेन वी कैन से स्पेसिफिक, अगेन वी कैन से हीट कैपेसिटी इज डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी। एंड अगर डेल्टा टी का मतलब चेंज इन टेम्परेचर अगर 1 डिग्री सेल्सियस होगा या 1 केल्विन होगा, चेंज है ना टेम्परेचर का, तो टेम्परेचर का चेंज डिग्री सेल्सियस पे और केल्विन स्केल पे सेम होता है। तो ये जो डेल्टा टी है इट कैन बी 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन। तो अगर ये 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन होगा तो एस बिकम डेल्टा क्यू, और यही होगा इसका डेफिनेशन। तो डेफिनेशन में हीट कैपेसिटी बिकम्स डेल्टा क्यू व्हेन डेल्टा टी इज 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन। चेंज ऑफ टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस एंड केल्विन सेम होता है, इसके लिए यहां पे 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन लिखा। तो व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ हीट कैपेसिटी, तो हीट कैपेसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, दैट इज डेल्टा क्यू, टू रेज इज टेम्परेचर बाय यूनिटी, यूनिटी का मतलब 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन। तो एक सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन से चेंज करने के लिए, चेंज का मतलब इट में इंक्रीज और डिक्रीज, द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड इज कॉल्ड हीट कैपेसिटी ऑफ दैट सब्सटेंस। तो फॉर्मूला क्या हो गया, एस इक्वल्स टू डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी, वेयर डेल्टा क्यू इज द हीट रिक्वायर्ड एंड डेल्टा टी इज द राइज इन टेम्परेचर। ऐसा यूनिट ऑफ हीट कैपेसिटी होगा जूल पर केल्विन, हीट होगा जूल में, टेम्परेचर होगा केल्विन में, तो इट इज जूल पर केल्विन। एंड डायमेंशनल फॉर्मूला होगा एम वन एल टू टी माइनस टू के माइनस वन, बिकॉज हीट का डायमेंशन एम एल टू टी माइनस टू, टेम्परेचर का के वन, ऊपर गया तो के माइनस वन, तो उसका डायमेंशन फॉर्मूला होगा एम वन एल टू टी माइनस टू के माइनस वन। तो ये हो गया कंसेप्ट ऑफ हीट कैपेसिटी ऑफ अ सब्सटेंस। हीट कैपेसिटी हमने स्टडी किया और हीट कैपेसिटी का सिंबल क्या था, एस। अभी इसके बाद हमको स्टडी करना है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दो अलग टर्म है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, एक है हीट कैपेसिटी और दूसरा है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को ही कभी कभी स्पेसिफिक हीट बोलते हैं, दोनों एक ही है, स्पेसिफिक हीट बोलो या स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बोलो, बट यू हैव टू रिमेंबर हीट कैपेसिटी एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आर डिफरेंट। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का सिंबल होगा सी, और इसको डिफाइन करने के दो वेज होते हैं, इनफैक्ट देर आर टू टाइप्स ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इस स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के दो टाइप होंगे, टाइप वन ग्राम स्पेसिफिक हीट। नाउ कभी कभी मैं स्पेसिफिक हीट वर्ड यूज करूंगा, कभी कभी मैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वर्ड यूज करूंगा, दोनों सेम है, स्पेसिफिक हीट को ही स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बोलते हैं। तो पहला टाइप होगा ग्राम स्पेसिफिक हीट, ऑल्सो कॉल्ड प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट, ग्राम स्पेसिफिक हीट ऑल्सो कॉल्ड प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट, और दूसरा होगा मोलार स्पेसिफिक हीट, या वी कैन से मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो ऐसे दो वेज में स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कैन बी डिफाइंड। तो सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे ग्राम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ग्राम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में सब्सटेंस जो आप हीट कर रहे हो उसका मास एम होगा। हीट कैपेसिटी में इसके पहले जो मैंने हीट कैपेसिटी डिफाइन किया था उसमें मास इन्वॉल्व नहीं था, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में सब्सटेंस का मास भी डिफाइन होगा। तो ये एक सब्सटेंस है जिसका मास एम है,
और इसको हमने हीट सप्लाई किया। अगर आप सब्सटेंस को हीट सप्लाई करोगे तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा, बट अगर आप सब्सटेंस से हीट एक्सट्रैक्ट करोगे, सब्सटेंस अगर हीट रिजेक्ट कर रहा है, सब्सटेंस अगर हीट को लिबरेट करता है, गिवन आउट, तो फिर उसका टेम्परेचर डिक्रीज करेगा। तो यहां पे दो पॉसिबिलिटीज होंगी, सब्सटेंस या तो हीट को एब्जॉर्ब करेगा या सब्सटेंस या तो हीट को गिवन आउट करेगा, लिबरेट करेगा, रिजेक्ट करेगा। हम लोग फिलहाल डिस्कस करें अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड, बट दिस इज नॉट द ओनली वे। सब्सटेंस अगर हीट को हम लोग हीट को सप्लाई करेंगे तो उसका टेम्परेचर राइज होगा, बट अगर सब्सटेंस हीट को रिजेक्ट कर रहा है तो उसका टेम्परेचर फॉल करेगा। दैट इज ऑल्सो अनदर पॉसिबिलिटी, रिजेक्शन ऑफ हीट, बट वी आर कंसिडरिंग दिस केस अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड। तो डेल्टा क्यू ने हीट सप्लाई किया और उससे इसका टेम्परेचर डेल्टा टी से इंक्रीज हुआ। डेल्टा क्यू हीट सप्लाई करने से इस सब्सटेंस का टेम्परेचर डेल्टा टी अमाउंट से इंक्रीज हुआ। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी या ग्राम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज गिवन बाय द फॉर्मूला C इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन एम इंटू डेल्टा टी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी या ग्राम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज गिवन बाय द फॉर्मूला C इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन एम डेल्टा टी। इसमें अगर मास यूनिट होगा और डेल्टा टी भी यूनिट होगा, यूनिट मास का मतलब एम होगा 1 kg एंड डेल्टा टी यूनिट का मतलब डेल्टा टी होगा 1 degree, इट मे बी 1 degree Celsius और इट मे बी 1 Kelvin। तो अगर ये दो वैल्यूज यूनिट होंगे तो सी बिकम्स डेल्टा क्यू, तो सी इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अगर ये दोनों यूनिट होंगे। एंड दिस इज हाउ वी डिफाइन ग्राम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो देखो इसका डेफिनेशन क्या है, ग्राम स्पेसिफिक हीट ऑफ अ सब्सटेंस, यू मे कॉल स्पेसिफिक हीट और यू मे कॉल स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ अ सब्सटेंस मे बी डिफाइन एज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड दैट इज डेल्टा क्यू टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास, यूनिट मास का मतलब एम कितना होगा 1 kg ऑफ द सब्सटेंस बाय 1 degree Celsius और 1 Kelvin। डेल्टा टी जो है ना वो राइज इन टेम्परेचर है और चेंज इन टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस और केल्विन पे सेम होता है। तो ये हो गया डेफिनेशन ऑफ ग्राम स्पेसिफिक हीट। तो ग्राम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ अ सब्सटेंस थ्रू 1 degree Celsius और 1 Kelvin। और फॉर्मूला क्या हो गया, C इक्वल्स टू डेल्टा क्यू अपॉन एम डेल्टा टी। नाउ विद हेल्प ऑफ दिस रिलेशन वी गेट वन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर न्यूमेरिकल्स, आई मीन न्यूमेरिकल सॉल्विंग के लिए या एमसीक्यू सॉल्विंग के लिए हमको एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यहां से मिल जाएगा। और फॉर्मूला किसके लिए होगा, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ मास एम ऑफ अ सब्सटेंस थ्रू डेल्टा टी केल्विन या डेल्टा टी डिग्री सेल्सियस। अगर एक सब्सटेंस दिया है जिसका मास एम है, उसका टेम्परेचर डेल्टा टी से इंक्रीज करना है, डेल्टा टी विल बी गिवन टू यू, मास विल बी गिवन टू यू, तो हमको हीट फाइंड करना होगा। तो उस हीट का फॉर्मूला हमको यहां से मिलेगा, डेल्टा क्यू का फॉर्मूला क्या होगा, इसको यहां पे मल्टीप्लाई करो, तो डेल्टा क्यू होगा एम इंटू सी इंटू डेल्टा टी। तो डेल्टा क्यू का फॉर्मूला एम सी डेल्टा टी, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर न्यूमेरिकल सॉल्विंग एंड एमसीक्यू सॉल्विंग। इस फॉर्मूला से यू कैन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ मास एम बाय डेल्टा टी सेल्सियस। यहां पे टेम्परेचर डेल्टा टी से इंक्रीज भी हो सकता है या डेल्टा टी से डिक्रीज भी हो सकता है। टेम्परेचर डेल्टा टी से राइज होगा अगर आपने हीट को सप्लाई किया, टेम्परेचर डेल्टा टी से फॉल करेगा अगर आपने डेल्टा क्यू हीट सब्सटेंस से एक्सट्रैक्ट किया, दोनों पॉसिबल होंगे। अगर आपने हीट रिजेक्ट किया, अगर सब्सटेंस ने हीट को रिजेक्ट किया तो टेम्परेचर डेल्टा टी से डिक्रीज करेगा, अगर सब्सटेंस ने डेल्टा क्यू हीट एब्सॉर्ब किया तो उसका टेम्परेचर डेल्टा टी से इंक्रीज होगा। दोनों केस में अगर आपको हीट रिक्वायर्ड फाइंड करना है तो फॉर्मूला होगा एम सी डेल्टा टी, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसको मेमोराइज करो।
तो जब भी सब्सटेंस का टेम्परेचर डेल्टा टी से राइज होना है, सब्सटेंस का मास एम है, सब्सटेंस का स्पेसिफिक हीट सी है, तो हीट कितना चाहिए? एम सी डेल्टा टी, वेयर एम इज मास, सी इज स्पेसिफिक हीट, और डेल्टा टी होगा राइज इन टेम्परेचर. एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर्मूला. फिर इसका एसआई यूनिट क्या होगा? व्हाट विल बी द एसआई यूनिट ऑफ ग्राम स्पेसिफिक हीट? हीट होगा जूल में, मास होगा किलोग्राम में, और ये होगा केल्विन में. तो इट इज जूल पर किलोग्राम केल्विन, जूल पर किलोग्राम केल्विन, है ना, किलोग्राम इनवर्स केल्विन इनवर्स का मतलब दे आर इन द डिनोमिनेटर. तो इट इज जूल पर किलोग्राम केल्विन. डायमेंशंस फाइंड करने होंगे, तो हीट का डायमेंशन होगा एम एल टू टी माइनस टू. व्हाट इज डायमेंशन ऑफ हीट? इट इज एम एल टू टी माइनस टू. तो अगर डायमेंशन सॉल्व करेंगे तो हीट का डायमेंशन होता है एम वन एल टू टी माइनस टू डिवाइडेड बाय मास का होगा एम वन और टेम्परेचर का होगा के वन. तो अगर इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो ये एम और एम डायमेंशनल कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा एल टू टी माइनस टू के माइनस वन. तो इट इज एल टू टी माइनस टू के माइनस वन, के होगा डायमेंशन ऑफ टेम्परेचर. तो ये हो गया कंसेप्ट ऑफ ग्राम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. अभी देखेंगे इसका सेकंड टाइप. सेकंड टाइप क्या होगा? मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप होगा इसके जैसे ही, सिर्फ मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में सब्सटेंस का जो मास होगा वो मास नहीं होगा, मोल में होगा. विल टेक एन मोल ऑफ अ सब्सटेंस. तो अगर सब्सटेंस किलोग्राम में होगा तो हम लोग डिफाइन करेंगे ग्राम स्पेसिफिक हीट या प्रिंसिपल स्पेसिफिक. पर अगर सब्सटेंस मोल में होगा तो वी डिफाइन मोलर स्पेसिफिक हीट. बस वही डिफरेंस होगा. तो लेट अस नाउ डिफाइन मोलर स्पेसिफिक हीट. वी डिस्कस द सेकंड टाइप, दैट इज मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. ग्राम स्पेसिफिक हीट में जो हमने डिफाइन कर दिया, तो ग्राम स्पेसिफिक हीट में हमने सब्सटेंस का मास एम ग्राम लिया था, है ना, वहां पे सब्सटेंस का मास एम था. तो मोलर स्पेसिफिक हीट में सब्सटेंस का जो क्वांटिटी होगा वो एन मोल होगा. नाउ वी टेक एन मोल ऑफ अ सब्सटेंस. तो इफ यू टेक एन मोल ऑफ अ सब्सटेंस देन द स्पेसिफिक हीट विल बी कॉल्ड एज मोलर स्पेसिफिक हीट या मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. तो इसमें सिर्फ क्वांटिटी का ही डिफरेंस है. ग्राम में ये जो ग्राम स्पेसिफिक होगा उसमें सब्सटेंस एम ग्राम में होगा या एम किलोग्राम में होगा, और मोलर स्पेसिफिक हीट में क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस एन मोल में होगा, बाकी तो सब सेम रहेगा. और मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का सिंबल सी डैश होगा. इसका सिंबल हम लोग क्या यूज करेंगे? सी डैश. बच्चों एनसीईआरटी में, इन एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, इसका सिंबल दिया है स्मॉल सी और इसका सिंबल दिया है कैपिटल सी. एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में ग्राम स्पेसिफिक हीट का सिंबल स्मॉल सी है और मोलर स्पेसिफिक हीट का सिंबल कैपिटल सी है. हम लोग यूज करेंगे सी इसके लिए और सी डैश इसके लिए. तो सी डैश इक्वल्स टू डेल्टा क्यू अपॉन एन डेल्टा टी, वेयर एन स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस. तो अगर n होगा 1 मोल का मतलब यूनिट मोल होगा, डेल्टा t होगा 1 डिग्री सेल्सियस, तो c डैश होगा डेल्टा q. तो बस सिर्फ ये चेंज हो गया, देखो सिर्फ इतना पार्ट चेंज हो गया, बाकी तो सब डेफिनेशन सेम ही है जो ग्राम स्पेसिफिक हीट का था. तो ग्राम स्पेसिफिक हीट और मोलर स्पेसिफिक का डेफिनेशन सेम होता है, सिर्फ चेंज यहां पे होगा. तो मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ अ सब्सटेंस मे बी डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन. सिर्फ यहां पे 1 मोल होगा. एंड अगर ग्राम स्पेसिफिक हीट को डिफाइन करेंगे तो यहां पे यूनिट मास होगा, है ना, यहां पे यूनिट मास होगा. ठीक है, तो इससे अपने को एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मिलेगा, वो कौन सा होगा? The amount of heat required to raise the temperature of n mole of a substance.
अगर सब्सटेंस एन मोल का है उसका टेम्परेचर डेल्टा टी से इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना है, दोनों केस पॉसिबल हो गए ना। टेम्परेचर कैन बी इंक्रीज बाय डेल्टा टी या टेम्परेचर कैन बी डिक्रीज बाय डेल्टा टी। टेम्परेचर डेल्टा टी से इंक्रीज होगा व्हेन द हीट इज सप्लाइड एंड टेम्परेचर डेल्टा टी से डिक्रीज होगा व्हेन द हीट इज रिजेक्टेड बाय द सब्सटेंस। दोनों केस में अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड डेल्टा क्यू विल बी इक्वल टू एन सी डैश डेल्टा टी। अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड डेल्टा क्यू विल बी एन सी डैश डेल्टा टी। इसको यहां पे मल्टीप्लाई करो। अभी इसका यूनिट क्या होगा, तो क्यू हीट जूल में होगा, ये मोल में होगा और ये केल्विन में होगा, तो इट इज जूल पर मोल पर केल्विन, जूल पर मोल केल्विन। इसके डायमेंशन क्या होंगे, तो लेट अस फाइंड आउट डायमेंशन ऑफ मोलर स्पेसिफिक हीट। हीट का डायमेंशन होता है एम वन एल टू टी माइनस टू, ये होंगे डायमेंशन ऑफ हीट। अपॉन मोल का डायमेंशन लिखा जाता है एम ओ एल सिंबल से, टेम्परेचर के लिए सिंबल होगा के, तो डायमेंशन ऑफ मोलर स्पेसिफिक हीट विल बी एम वन एल टू टी माइनस टू के माइनस वन और मोल माइनस वन। नंबर ऑफ मोल के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला इज मोल, तो ये हो जाएगा के माइनस वन मोल माइनस वन। तो ये होंगे डायमेंशन ऑफ मोलर स्पेसिफिक हीट। तो वी हैव डिफाइंड टू टाइप्स ऑफ स्पेसिफिक हीट। फर्स्ट वन वॉज ग्राम स्पेसिफिक हीट, ऑल्सो कॉल्ड प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट, एंड द सेकेंड वन इज मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो ये होंगे टू टाइप्स ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी।